इस क्वेश्चन में लीस्ट नंबर निकालना है जो कि 35, 56 और 91 से डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर हर एक केस में 7 ही बचेगा। तो डिवाइड करना है 35, 56 और 91 से। मान लेते हैं कोई नंबर एक्स है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक में रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। इसका मतलब है कि एक्स माइनस 7 जो है से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा इन तीनों नंबर से, और यह एक्स माइनस 7 नंबर क्या होगा? लीस्ट नंबर होगा जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा, सबसे कम संख्या वाले नंबर होगा। इसका मतलब है कि एक्स माइनस 7 जो है से क्या होगा? एलसीएम ऑफ 35, 56, 91, क्योंकि एलसीएम वही कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं 35, 56 और 91 से। तो सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे, 5, 8 एंड 13, और डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम बराबर हो गया 7 × 5 × 18 × 31 बराबर 91 × 40 इक्वल टू कितना हो गया? 3667। तो x माइनस 7 बराबर कितना हो गया? 3660। तो x बराबर कितना हो गया? 3670+7 बराबर ये हो गया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है लीस्ट नंबर क्या हो गया? ये हो गया 3667, जो कि अगर इन तीनों से हम डिवाइड करेंगे तो हर एक में रिमाइंडर कितना बचेगा? इस टाइम 7 बचेगा, क्योंकि यही जो नंबर है जो कि लीस्ट मल्टीपल वाला नंबर है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।